कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, आप लोग ने बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट किए हैं, जो इससे पहले हम वीडियो डाले थे कि आप लोगों का जो है एसएससी जीडी का जो मेरिट है वो 31 अक्टूबर तक आ जाएगा, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है नीचे, उसके बारे में भी आप लोगों को डील करने वाले हैं कि क्या था वो नोटिस और कब तक आप लोगों का मेरिट आ रहा है। तो थोड़ा सा इस वीडियो में आप बने रहिएगा, पूरा डील करने वाले हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले दो नोटिस आया हुआ था मेरे पास, जो कि नोटिस था वो बिल्कुल ऑथेंटिक था और बिल्कुल रियल नोटिस था, ठीक है। तो उसके बारे में हम आप लोगों को अपडेट दिए और आप लोगों ने नीचे अपना राय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट भी किए हैं, सपोर्ट भी बहुत सारे लोग करते हैं और कुछ लोग तो निगेटिव रहेंगे ही रहेंगे। देखिए, मेरा वो नोटिस लाने का, वो अपडेट देने का मेरा मकसद क्या था वो आप थोड़ा समझिएगा। मकसद मेरा अच्छा ही रहा था, हमेशा आप सभी के लिए अच्छा ही सोचते हैं भाई साहब, लेकिन आप लोग हैं कि उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं। देखिए, जो नोटिस आया था इससे पहले आया था, दो दिन पहले हमारे पास एक नोटिस आया था जो कि ऑथेंटिक आया था, उसको हम चेक भी कराएं। आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने गायत्री से देख लिया, आपने यहाँ से देख लिया, वहाँ से देख लिया। भाई कहीं से भी हम वीडियो, किसी का भी वीडियो हम देखे नहीं थे। हाँ, गायत्री वाले सर जो हैं उनका हम काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और हाँ, उनसे हम जानकारी भी कुछ लेते हैं, उनका वीडियो भी देख के हम कभी कभी उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ से लेते हैं। और सर हैं वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल सर हैं, उनकी हम काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो कसम से वहाँ से हम वीडियो नहीं देखे थे, मेरे पास नोटिस आया था, उसको हम वेरीफाई करने के लिए कुछ लोगों के पास भेजे थे कि ये नोटिस सही है या नहीं है। तो जब आया था नोटिस, सर का जो वीडियो अपलोड हुआ था, उसके हम 5-6 घंटे बाद हम अपना वीडियो अपलोड किए थे। तो ऐसा आप लोग कह सकते हैं, आपका कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं भाई साहब, लेकिन जो मेरा जमीर कहता है, जो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए, दो नोटिस आया था, एक ITBP की तरफ से आया था, एक शायद BSF की तरफ से आया था। तो दोनों जो नोटिस था ना, दोनों रियल नोटिस था, बिल्कुल उसमें कहीं से भी दो राय नहीं कि वो गलत है। और आप लोग क्या चाहते हैं कि जो भी इस तरह का नोटिस आए, ये रियल नोटिस था, ये फेक नोटिस नहीं था, रियल नोटिस था। जो भी जानकारी मिली थी, जो रियल नोटिस था, उसको हम आप लोगों से, वो जानकारी को हम साझा किए। तो आप लोग क्या चाहते हैं, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई नोटिस आता है तो उसको हम आप लोगों के साथ हम वो साझा नहीं करें, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दें। अगर आप लोग ये चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, इस तरह का हम नोटिस कभी भी नहीं लाएंगे फिर। लेकिन वो नोटिस आया था हमारे पास और रियल इन्फॉर्मेशन था। देखिए, वो इन्फॉर्मेशन जो दिए वो बिल्कुल रियल था, वो इन्फॉर्मेशन जो नोटिस आया वो रियल था। अगर वो एक उसमें डेट लिखा हुआ था कि 31 अक्टूबर के पहले पहले वो आ जाएगा, हालांकि नीचे टेंटेटिव लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग के सामने वो अपडेट तो देना बनता है ना भाई। अगर अपडेट आपको नहीं देंगे तो आप कैसे जान पाइएगा। अगर SSC आपके सामने अगर कोई डेट कैलेंडर जारी करती है कि आपको हम 10 तारीख से 10 दिसंबर से जो है SSC GD का फॉर्म भरने के लिए हम भरवाएंगे, ये कैलेंडर जारी कर दी है, ठीक है। अगर SSC अगर 10 दिसंबर से नहीं भराती है तो इसमें हमारा दोष होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो हमारा दोष होगा कि वो SSC का ना हुआ, SSC वो कैलेंडर जारी की है 10 दिसंबर से फॉर्म जो भरा जाएगा। अगर नहीं भरा जाता है तो वो उनका दिक्कत है ना भाई, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन था हमारे पास वो ही इन्फॉर्मेशन हम दिए जो कि बाहर से, जो कि उधर से आया था हमारे पास इन्फॉर्मेशन। ऐसा तो नहीं है कि हम वो नोटिस को खुद से प्रिंट किए और हम बेफिजूल का आप लोग से हम दे दिए, ऐसा तो बात नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का नोटिस जो भी कैलेंडर SSC जारी करे या फिर जो भी साइट पर आया उसके बारे में हम जाने, अब देखिए इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो है कि 10 दिसंबर से हम ये बता दिए हैं कि बता क्या दिए, मतलब सही बताएं कि कैलेंडर में जारी किया गया 10 दिसंबर से आप लोग SSC GD का जो है कि वो फॉर्म आने वाला है, ठीक है। ये तो सारा कुछ बता दिए हैं। अगर SSC अगर 10 दिसंबर से अगर फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं करती है तो फिर आप लोग क्या कहिएगा, फिर मतलब आप लोग कहिएगा फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देखिए, थोड़ा सा आप लोग कम्युनिकेशन गैप है आप लोगों के बीच में, हमारे और आपके बीच में, कि इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। कभी भी हम इन्फॉर्मेशन हम गलत नहीं देने का प्रयास करते हैं भाई, एक अच्छा चैनल है, अपना रेपुटेशन चैनल है, आप लोगों का विश्वास है हमारे पे और आप हम पे, हमारा भी विश्वास है आप लोगों पे, तो ऐसा हम आप लोगों से क्यों करेंगे, 2-4 हज़ार व्यूज़ के लिए ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आता है चाहते हैं हम कि आप भी उस इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहिए, जो भी आया बाहर से आया तो उसके लिए आप अपडेट रहिए कि क्या अपडेट आया है। अपडेट आया है हो सकता है नहीं कराए, ठीक है। और 31 अक्टूबर तक उसमें लिखा गया था कि 31 अक्टूबर तक आप लोगों को कराना है, 31 अक्टूबर तक आप लोग करा देते हैं तो कई जगह का ITBP का भी लीक आया था मेरे पास, ITBP का भी दोनों हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए थे, दोनों आप जाके देख सकते हैं। तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्त, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। अगर डिपार्टमेंट अगर उस डेट पर, अगर उस जो भी डेट निकाल रही है अगर उस पर नहीं कराती है, हमारा काम क्या है, हमारा काम भर्ती कराना नहीं है,
हमारा काम अपडेट देना है आप लोगों को कि आप लोग जो भी फॉर्म आता, जो भी अपडेट आता है, जो भी नोटिस आता है, उसके बारे में आप लोग से आप लोगों को अपडेट देने का। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि भर्ती हम करा रहे हैं या फिर प्रिंट हम कर रहे हैं, ऐसा दोस्त नहीं है। थोड़ा सा आप बात को समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे थे। और जो भी लोग दोस्त कमेंट करते हैं नीचे ना, थोड़ा सा देखभाल के कमेंट कीजिए भाई। बहुत दुख लगता है यार कि आप सभी के लिए अपना पढ़ाई छोड़ के आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए कितने लोगों के पास भेजे थे हम, कितने लोगों के पास भेजे थे, उसके बाद आपने नीचे कमेंट कर दिया फलाने यहाँ से चीटिंग कर लिया, फलाने यहाँ से ये ले लिए। ऐसा बात नहीं है दोस्त, खुद का मेहनत होता है भाई। कई जगह हम भेजे इन्फॉर्मेशन के लिए कि वो प्रिंटर जो था वो डॉट मेड प्रिंटर था, तो वो प्रिंटर से अब इसके बारे में हम पूरा आपको बताएंगे भी तो आपको लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात नहीं है कि कहीं से, हाँ ये बात सही है कि अरे भाई हमारे सर हैं, बड़े सर हैं, कहीं से भी हम बहुत सारी जगह से हैं जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और हम अपने चैनल पर भी बताते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे चैनल से इन्फॉर्मेशन लेके कहीं और बताते हैं, ये चलता रहता है। हम लोग सभी लोगों का ये मोटिव रहता है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। कुछ लोग होंगे जो मानते हैं आपकी गायत्री से हम क्या बोलते हैं, आप लोग बोल दिए हैं कि गायत्री से हम ये करिए थे, लेकिन हम तो वैसा किए नहीं थे, हम कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी लेते हैं। हो सकता है कुछ लोग गायत्री को नहीं जानते होंगे, हमारे चैनल से जुड़े होंगे, तो उनको इन्फॉर्मेशन तो मिला ना भाई, इन्फॉर्मेशन कहीं से मिले। आप लोग इन्फॉर्म रहने चाहिए, आप लोग अपडेटेड रहने चाहिए इसके बारे में। जो भी था उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं लाए अपने चैनल पे तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम पिछले बार से जो भी अपडेट आएगा वो हम अपडेट आप लोगों को नहीं देंगे, ठीक है। बाकी आपका क्या कहना है नीचे जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो अगर पसंद नहीं आया है, अगर कुछ गलत लग गया हो मेरे कुछ गलत है, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो गया हो, तो आप नीचे डिसलाइक भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप, ठीक है। लेकिन डिसलाइक या फिर लाइक करना ये आप पे डिपेंड करता है और हमारे पे डिपेंड करता है कि आप तक हम लोग सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ और आगे कोशिश करेंगे कि आप लोग तक सही इन्फॉर्मेशन भी पहुँचा सकें। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।